नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश भाटी और आप देख रहे हैं कंटेक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी गर्लफ्रेंड होती है या फिर कोई भी लड़की होती है, वो अपने व्हाट्सएप पे बहुत सारी प्राइवेसी लगा कर रखती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जितनी भी प्राइवेसी होती है उन्हें कैसे बाईपास कर सकते हो आप। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर तक देखना, और क्योंकि इसमें मैं एक ऐसी खास ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी या आपका दोस्त हो या फिर गर्लफ्रेंड हो उसके व्हाट्सएप की सारी प्राइवेसी को बाईपास कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है वो ट्रिक और कैसे वो यूज करते हैं जानने के लिए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लड़कियां होती हैं वो कौन सी प्राइवेसी ज़्यादातर यूज़ करती हैं। दोस्तों, जो वो प्राइवेसी यूज करती है उसका नाम है रीड रिसिप्ट। अब ये प्राइवेसी क्या काम करती है और कहाँ से इसे इनेबल करते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है अकाउंट में। अकाउंट में आने के बाद प्राइवेसी में, प्राइवेसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रीड रिसिप्ट, जो कि एनेबल होती है। अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो इसका क्या काम होता है कि अगर आपके पास कोई मैसेज सेंड करेगा और आप उस मैसेज को सीन कर लेते हो, तो जो मैसेज आपके पास सेंड कर रहा है उसके पास नहीं पता चलेगा कि आपने मैसेज सीन किया है या नहीं किया, क्योंकि उसके पास ब्लू टिक नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही सिखाएंगे आपको कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने भी ये सेटिंग डिसेबल की हुई है तो आप पता लगा सकते हो कि उसने आपका मैसेज सीन कर लिया है नहीं किया है। तो मैं एग्जांपल के दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैं अपने पास दूसरे व्हाट्सएप से एक मैसेज सेंड करता हूँ, हाय, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैसेज सेंड कर दिया है और मेरे पास मैसेज आ चुका है। जैसे मैं इस मैसेज को ओपन करूँगा तो मैंने मैसेज रीड कर लिया है, लेकिन वहाँ पर अभी ये दिखाएगा कि मैसेज अभी डिलीवरी हुआ है क्योंकि सीन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लू टिक नहीं दिख रही है। तो इस सेटिंग को बाईपास कैसे करें, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। ये आपको एक नीचे माइक का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली इस माइक के ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ जाके कोई भी रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर देनी है, ठीक है। जैसे ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दी, यहाँ से मैसेज चला जाएगा, डिलीवर हो गया है। अब आपको करना क्या है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी फ्रेंड उस मैसेज को सीन करेगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ब्लू टिक नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो इस म्यूजिक को प्ले करेगा जो आपने रिकॉर्डिंग सेंड की है, वो आपकी आवाज़ को सुनेगा, रिकॉर्डिंग आपको, ठीक है, तो जैसे आप उस पर सुनेगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली ब्लू टिक आ जाएगा। देखिए, जो इससे पहले मैसेज सेंड किया था उसमें ब्लू टिक नहीं आया है, लेकिन इसमें ब्लू टिक आ गया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके मैसेज देख लिए हैं और उसने आपकी रिकॉर्डिंग भी सुन ली है। तो इस तरह से आप इस सेटिंग को बाईपास कर सकते हो। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ बोलना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।